बसमलरिम नमदून व्लम अला रसोल कर करीम अम्माबाद मेरे अज़ीज़ों दीनी भाइयों अल्हजल काम है उसकी तो़ीक़ है कुछ बातें ऐसी ज़रूरी बयान करने के लिए अल्लाह तता फ़रमाते हैं और बंदा आप हजरात की खिदमत में पेश कर देता है मेरे अज़ीज़ों गुज्त कल जो मज़मून बयान हुआ वो मजमून चंद मरतबा मुख्तलफ़ सफ़रों के मौके पर बयान करने का मौक़ा हुआ तो एक मरतबा एक अहल दिल अल्लाह वाले हमारे हज़रत वाला रम्ह के खुलफा में हैं और नेक अल्लाह वाले आदमी हैं उन्होंने एक ख़ास बात की तरफ़ तोज्जो दिलाई और माशा वो बहुत ही बर मौका थी और दुरुस्त थी इसलिए उसी कल वाले मजमून की गोया आज ये दूसरी किस्त है जिसको मैं बयान करूँगा और उसको बयान करने के बाद एक मुख्तसर स मज़मून और बयान करूँगा इनशा अगर उससे मौक़ा मिला तो मेरे आज़ीसों भाइयों गुज्त कल जो मजमून बयान हुआ था उसमें ख़ुलासा ये था कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको अल्लाह बरकत वाली ज़िंदगी देते हैं उनके माल में जान में औलाद में कारोबार में आमाल में यानी ज़िंदगी की हर चीज़ में अल्लाह अल्लाहजर से बाबरकत बना देते हैं उसका मैंने मफूमू कल आप हजरात की खिदमत में पे पेश किया समझाया जो जिस चीज़ का मकसद है औलाद क्यों अल्लाह ने दी है बीवी से क्या मकासद हैं, माल किस लिए है इंसान खाता पीता किस लिए वगैरह वगैरह जो मकासद हैं वो सही तौर से बा मकसद चीज़ हो जाए और वो मकासद हासिल हो जाए तो समझो उस चीज़ की बरकतें हमको मिल गई जिसका निचोड़ और लब लबाब और खुलासा मैंने गुजशत कर लिए निकाला कि अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे और कदम कदम पर अल्लाह को राज़ी रखेंगे तो गोया की दुनिया में भी उनको अल्लाह अज्ज वजल माल की तरफ से औलाद की तरफ से बीवी की तरफ से कारोबार की तरफ से एक जन्नत का मज़ा आता फरमा देते हैं तो यहाँ इस मौके पर मेरे अजीज एक बहुत अहम बात है जो समझने की है जो तकल बयान हुआ समझ के बादों के जहन में आएगा सवाल जैसे मैंने कहा कि बाज़ों ने मुझे तोज्जो दिलाई उनके जहन में सवाल आया और वो सवाल क्या है वो सवाल बल्कि अभी आप हजरात से गुफ्तु करते करते एक बात याद आ रही है दारूम देवबंद में हम पढ़ते थे तो हज़रत हकीम इस्लाम क़ारी मोहम्मद तयब साहब रमतल की मजलिस के, के साहबजादे थे मरहूम हो गए दोनों मौलाना सलम साहब मौलाना असलम तो मौलाना असलम साहब की मजलिस हुआ करती थी तो हम मजलिस में कभी कभी जाते थे तो एक दिन एक शख़्स ने सवाल किया कि मसाइब और हवाी सोहदसात और, और बीमारियाँ आलाम मन जम दुनिया में जिस तरह गुनहगारों पर आते हैं और नाफरमानों पर आते हैं और जो अल्लाह के बाकी हैं उन पर आते हैं इसी तरह से ये सारी चीज़ें अल्लाह वालों को भी पेश आती है बहुत सी मरतबा देखा गया कि अल्लाह वालों की औलादे उनका कहना नहीं माननी और नाफिर मान है और गोया के गोया के का लफ्ज बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी समझाऊंगा और गोया के उनके नाक में दम किया हुआ और जिंदगी दो भर की हुई उनकी बहुत सी मरतबा हम देखते हैं खाना पीना और ये माली चीजें सब उसमें वो इतना परेशान रहते हैं बेचारे कभी किसी से कर्ज लिया कभी किसी से कर्ज लिया कभी कहीं कोई बात पेश आई कभी यहां नुकसान हो गया कभी यहां नुकसान हो गया यूं उथल पुथल में और ऊंच नीच में उन बेचारों की जिंदगी बहुत सो की गुजर जाती है इसी तरह बीवी जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसी खुश मिजाज के इताज शियार के बिल्कुल सुकून नहीं बहुत सी मरतबा और बल्कि बकसरत और बल्कि हकीम्मानवी रम्ला ने फरमाया है कि अल्लाह वालों की बीवियों का यह उसूल है कुल्ली में नहीं कहता हजरत नसीम रमत ले फरमाए लेकिन अक्सर ही उसूल है कि उनको बीवियां ऐसी तलख और कर, और कड़क मिजाज दी जाती हैं कि जिनकी वजह से बज़ाहिर फिर बदाहिर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जिनकी वजह से बज़ाहिर उनका सुकून उन्हें मैसर नहीं होता बज़ाहिर तो मेरे अजीज़ों ये बहुत अहम सवाल है जो आपके भी दिल में आ सकता है गुदिशल की बातों पर और जैसे मैंने कहा बहुत से मकाम पर ऐसा हुआ कि बादों के जहन में आया तन्हाई में भी बाद हजरात ने इसका मुझसे सवाल किया कि हजरत ये सब जो मजमून आपने बयान किया अल्लाह वाले यूँ ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं उनके साथ ऐसे हो से होता है लेकिन बहुत सारे अल्लाह वालों के साथ तो मसलन बीमारियाँ भी पेश आती है हार्ट अटैक का भी मामला होता है कैंसर कभी हो जाता है फला कभी होता है ये भी हो और मतलब गर्ज यह है कि जो कुछ सबके साथ पेश आता है वो दुनिया में उनके साथ भी पेश आता है तो मेरे अजीज़ हो भाई हो ईमान वालों इसका जवाब सुनो और जवाब बराए जवाब नहीं यानी जवाब इसलिए नहीं कि हमको एक जवाब देना ज़रूरी है पूरी बसीरत के साथ पूरे शर सदर के साथ और बिल्कुल इतमान क़ल्बी के साथ जो जवाब हज़रत महमदुल्ल् ताल वसम ने अपनी उम्म को बताया हादीज़ शरीफ़ा में मैं आपकी खिदमत में वही जवाब पेश करूँगा मैंने अर्ज़ किया खाली जवाब बरए जवाब नहीं के नहीं जवाब देना है ना सुनो मेरे भाइयों हदीस शरीफ में रसूल अक्रम सल्ला वसलम का इरशाद है अशदबलानलम्बिया फलमसल के जो अल्लाह ताला अम्बिया अम्बिया तो सबसे ज़्यादा ऊँचे मकाम वाले हैं उनको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा आज़माते हैं फिर जो उनसे करीब हो उनको फिर जो उनसे करीब हो उनको दर्जा बदरजा दर्जा बदरजा इस तरह अल्लाह अज्जब की तरफ से उनके साथ आजमाइश का मामला पेश आता है कुरान करीम की आयत से मैं ऐसी बड़ी खुशखबरी बताता हूँ जिनके साथ आजमाइश पेश आती का मामला होता है कि वो जिंदगी भर खुश रहेंगे अगर याद रख ले मेरी बात अल्लाह जल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वह बशरी साबरीन और अलबत्तः हम तुमको जरूर आज़माएंगे कुछ भूख होगी मालों में कमी होगी जी जानों में कमी होगी वगैरह फलों में कमी होगी और उन सब्र करने वालों को बशारत दीजिए कि जब उनको कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो बेकरार नहीं होते बेचैन नहीं होते शिकवा शिकायत नहीं करते गिला नहीं करते उससे कहा इससे कहा यहाँ जाके अपना हाल बताया वहाँ जाके हाल बताया यार तनख्वाह मिल रही है काम ही नहीं चल रहा और क्या बताऊँ मैं तो इससे परेशान हूँ माज से परेशान हूँ यहाँ से परेशान हूँ लोगों के सामने कोई गिला शिकवा नहीं करते बल्कि वो क्या कहते हैं अल्लादीन कलू इन्ना लाही वह इन्ना राज अरे मियाँ हम तो सर से पैरों तक सब अल्लाह ही के तो हैं जी वी आर बिलोंग तो टू अल्लाह सुबहान व तआला हम हम में जो अल्लाह तसरुफ करे हम तो उस पर राज़ी हैं अल्लाह हमारे मालिक हैं और हम ममलूक हैं और मालिक को अपने में पूरा तसरफ करने का हक हाँ है कि जो चाहे वो तसरुफ तो कुछ कोई मुसीबत कोई हालत हमारे ऊपर डाली है हम इस पर बिल्कुल शिकवा शिकायत नहीं करते हम कल्ब से दिल से बिल्कुल मुतमिन हैं और हमें दिल में कोई बे वाली उलझन वाली और बेचैनी वाली इस तरह वाली कोई कैफियत नहीं है यही वो फर्क है कि जो उन लोगों में और उन गुनहगारों के बीच में होता है देखने में ये भी बदाहिर लगेंगे आज साथ पे आज साथ मसाइल पे मसाइल हवादी सुलझने परेशानियां ज़ाहिर ऐसा लगेगा और दूसरी तरफ वो गुनहगार भी लगेंगे आज साथ में लेकिन मेरे भाई वो फर्क क्या है इनको जब हादसा पेश आए तो ये अल्लाह की तरफ देख के कहते हैं परवाह नहीं है रोजा बिलखजा मेरे रब की तरफ से ये बात पेश आई है मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूं जी रोजा बिलकजा अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी बंदे मोमिन अल्लाह वाला नेक आदमी अल्लाह औलियाल्ला परहेजगार अगर उनको माली माली एतबार से नुकसान हुआ और उनका जवान बेटा दुनिया से चला गया और उनको कड़क मिजाज औरत मिल गई वगैरह वगैरह जो भी हुआ सबके अंदर वो अपने अल्लाह की सनात कारीगरी मशीयत अल्लाह ताला के फैसले अल्लाह की कजा उसको देखते हैं और मेरे अजीजों मुतमिन होते हैं कैफे तस्ली मोरजा से कैफे तसली मोरजा से है बहारे बे खिजां कैफे तसली मोरजा से है बहारे बेखिजा और सदमा गम में भी अखतर रूह रंजीदा नहीं सदमा गम तो है लेकिन बिल्कुल मुतमिन बिल्कुल बेखरानी नहीं मेरे शेख मौजूद है शेख हजरत मौलाना सलीम दौरा हमीज़ुल्ला फरमाते हैं कि जिस तरह के दुनिया वाले जापान वाले और दूध अब तो सब बनाते होंगे वाटर प्रूफ घड़ी बना देते हैं मेरे अजीज जो वाटर प्रूफ घड़ी है उसे आप किसी ऐसी बाल्टी में डालो जहाँ पानी भरा हुआ है उसे किसी ऐसी आ, नाली में डालो जहाँ पानी भरा हुआ है पूरे जग में डाल दो जो जो पानी से और दूध से भरा हुआ है देखो जरा उसके अंदर पानी गया है क्या नहीं गया बस इसी तरह अल्लाह अल्लाहजल अपने नेक और ख़ास मुतकी बंदों के कुलूब को ऐसा कर देते हैं कि वो गम प्रूफ हो जाता है उसमें गम और उलझन दुनिया की बधाई लगती है कि जा रही है लेकिन जिस तरह पानी के ऊपर नीचे से बह रहा है और ऊपर पुल है और गाड़ियाँ चली जा रही हैं जी तो वहाँ पानी भी है लेकिन पुल के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है तो इसी तरह अल्लाह इसके कुलूब के ऊपर ऐसा पुल बना देते हैं कि वहां से ये सारे हवािस गुजरते जाते हैं और इनको बेचैन नहीं करते मुस्तरब नहीं करते बेकरार नहीं करते इनकी शान क्या होती है जब कोई हादसा हुआ कोई बच्चा बीमार हो गया किसी का इंतकाल हो गया कोई और हादसा माली पेश आया तो फौरन याद कर लेते हैं कि महबूब नबी मोहम्मद वसल्लम का इर्शाद गिरामी है ابتلاه الله في جسده في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزله التي سبقت له من الله عز وجل میرے پیارے بھائیو یہ باتیں حقائق ہیں یہ حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وحی کے ذریعے بتائی بھائیو ان کو کوئی افسانہ نہ ये हैं, ये हैं जो आँख बंद होने के बाद जब दुनिया से जाएंगे पता चलेगा हम सब के महबूब आकए मदनी मोहम्मद अरबी सल्ला फरमाते हैं बात बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से बड़े ऊंचे दर्जे आखरत में मुकर्रर हैं, लेकिन वो अपने अमल की वजह से नहीं पहुंच सके वहां ना ज़्यादा तहजद पढ़ सके ना ज़्यादा जिक्र अज़गार कर सके ना तिलावत कर सके और सूफ़ी मिजाज नहीं था और बज़ाहिर जो है वो ज़्यादा खानकों में और इसमें जाने आने वाले नहीं थे हलाल खाना पीना था और ज़िंदगी नॉर्मल गुजरती थी और अच्छी तरह बड़े तकवे के साथ रहते और नमाजें पढ़ते थे लेकिन कोई ज्यादा सूफियत का इसका उसका मिजाज नहीं था अल्लाह ने अपना बहुत बुलंद मकाम वहाँ अपने यहाँ तय कर रखा है और अल्लाह के यहाँ जो मकाम मिलेगा मेरे प्यार दुनिया में कुछ भी मिल जाए वो उसके बराबर कहाँ हो सकता है मा तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब फना होने वाला अल्लाह के पास जो कुछ है वो सारा बाकी रहने वाला है ये अल्लाह वाले जब इन्हें कोई हादसा होता है गम होता है कोई मुसीबत पहुंचती है कोई तकलीफ पहुंचती है ये फ़ौर अल्लाह तरफ वतवे होते हैं और बल्कि रहते ही हैं और सोच लेते हैं मेरे अल्लाह में तो सारा ही आपका था आप जो चाहते ले लेते हाथ आपने ले लिया उंगली ले ली औलाद ले ली पैर ले लिया जी ये ये इस उज्व में कुछ नुकसान आया जी कानों से सुनाई वो हो गई या एक्सीडेंट हुआ तो हाथ जरा ये हो गया तो ये सोचते हैं अल्लाह है ला एल एक ही तो चीज़ आपने ले ली दो ले ली तीन ले ली अभी भी अभी भी मैं इस हाल में हूँ कि मैं आपका शुक्र अदा करूँ हाय 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 इसीलिए मेरे अजीजों सुन लो गौर से और अमल में ले आओ और दिल में अपने इसको अपने कल्ब को मुजयन कर लो जनाब वसल्लम का इरशाद है अव्वल उमय यानी सबसे पहले जो जन्नत की तरफ बुलाए जाएंगे और पुकारे जाएंगे क्यामत के दिन वो कौन लोग हेगेन अहमदून अल्लाह र्रा और जर्रा खुशी की हालत अच्छी हालत और दूसरी हालत ना मुआफिक नागंवार हालत इबलावा आजमाइश की हालत रनजम की हालत हर हाल में अल्लाह की तारीफ किए जा रहे हैं इन लोगों को क़यामत के दिन जब मैदान क़यामत कायम होगा कहा जाएगा आओ सबसे पहले आ जाओ आ जाओ सबसे पहले जन्नत में आओ जी हाँ जब इन पर अल्लाह की तरफ से कोई बात आती है तो ना तो उस पर ऐतराज दिल में पैदा होता क्यों मुझे अल्लाह ने भेजी शिकवा शिकायत हाय हाय ना, ना मखलूक के सामने जाके ऐसे बनते कि जैसे कि कंप्लेन और शिकायत कर रहे हो नहीं खुश रहते हैं अल्लाह ताला से मेरे मोला में राजी हूं क्यों आपने सौ सैकड़ों हजारों लाखों नमतें मेरे बदन में घर में माल में जान में औलाद में मुझे दी है अगर आपने एक दो ले ली तो मैं क्यों आपका शिकवा करूँ अगर आपने दो चार मेरी मुझसे नहमतें ले ली जी तो मैं क्यों दिल में परेशान हो जाऊं कि मेरे रब का ये फैसला है और मेरे रब ने मुझे कहा है कि जो मैं तुझे पहुंचाऊंगा उसमें खैर होगी लई बना कथबल्ला मोमिन को जो पहुंचता है उसमें क़ुरान कह रहा है नबी आप कह दीजिए हमको नहीं पहुँचती हर चीज़ मगर वही चीज़ कथबल्ला जो हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ने लिखती है बहरहाल मेरे अजीज़ हो मैं आप हजरात की खिदमत में ये ख़ास बात पेश करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह वाले जो बजाहिर परेशान दिखे आपको ये दिखे कि घर में खाने पीने को नहीं ये दिखे कि जवान बेटे का इंतकाल हो गया ये दिखे कि उनको कैंसर हुआ या एक्सीडेंट हुआ या फला हुआ या फला हुआ मगर वो कैंसर क्या कैंसर एक नेक अल्लाह वाले मुझे जी कैंसर में थे मैं उनकी यादत के लिए जब गया तो मुलाकात हुई तो बोल भी नहीं पा रहे थे अच्छी तरह से बहरहाल मैंने कुछ तसल्ली के कलीमत कहे तो डॉक्टर ने उनके घर वालों को कह रखा था कि इनके पास ज़्यादा मुलाकात वगैरह ना कराओ लेकिन जब मैं पहुँचा तो अल्लाह ताली की शान के वो उनसे अपने बेटों से कहने लगे भाई इनको जल्दी ना जाने देना बैठे रहने देना कुछ देर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है जब मैंने उनको तसली दी तो तसल्ली देते हुए कहने लगे अरे मुफ्ती साहब ये तो मेरे दिल का बिल्कुल ऐसा वो बन चुका है हाल कि मैं तो पूरी तसल्ली में हूँ बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ क्यों हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे जी और मेरे बदन के इधर के हिस्से को इधर के हिस्से को इधर के हिस्से को पूरे को आप सल्ला वसल्म ने बोसा दिया और जिस दिन से ये 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 वाक़ पेश आया, यानी ख़्वाब में जिस दिन से वाक़ पेश आया मेरा कल्ब ऐसा मतमिन है मुझे ज़रा भी कोई परवाह नहीं मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ और अल्लाह की मुलाकात का शौक़ रखता हूँ इस तरह से तेरे तो अजीजो बस ये फर्क है बुनियादी जहन में रखो ये फर्क है बुनियादी और ये बहुत बड़ा फर्क है मामूली फ़र्क नहीं है बहुत बड़ा फर्क है वो जो हराम मालों में है और गुनाहों में है और अल्लाह की नाफरमानियों में है और बगावत में है और रात दिन की गफलतों में है और जिनाकारियों में है और टी वी नेट और इन सब चीजों में और फिर उन पर बलाएँ आती है तो उनके जहन को झुलस दिया जाता है और जैसे बजाहिर आग नजर नहीं आती जैसे आग में जल रहा हो नींद नहीं आती उनको सोने के लिए टेबलेट लेनी पड़ती है और हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे झुंझलाए हुए जैसे उलझन में हैं, जैसे उनके चेहरे से उदासी टपक रही है मेरे प्यारो ये अल्लाह वालों का हाल नहीं होता और बुजुर्गों ने लिखा है यही पहचान है यही पहचान है कि ये हालात जो डाले गए ये इम्तिहान और आजमाइश के जरिए बंदे के दर्जे को ऊंचा करने के लिए है या ये इम्तिहान हालात जो डाले गए ये अजाब के तौर पर है मेरे प्यारो अगर इस तरह के कुछ हालात आए और हम जहनी तौर पर टेंशन में उलझन में डिप्रेशन में नींदे उड़ गई और इससे शिकवा इससे शिकवा उधर जाना उधर बयान इधर जाना इधर अपनी हालत का इजहार परेशानियों का इजहार ये समझ लो कि आजाब इलाही है आजाब इलाही आजाब इलाही हाँ और अगर दूसरी नौीय बनी हुई है हो तो बहुत कुछ रहा है लेकिन अंदर से कल्ब में इतमान को यह हाल है कि इस खुदा के बंदे ने पढ़ रखा था क्या पढ़ रखा था तू मेरे हर फैसले पर राजी हो जा मैं तेरे अमल कलील पर राजी होकेत दे दूंगा बहुत बड़ी फजीलत है रजाबल की मेरे प्यारो बयान सुनने वालों हमारे हजरत वाला रहमत ला फरमाते थे कि हजरत को शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमत लि बात बताई थी क्या बात बताई थी कि हकीम मम्मान भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जी फरमाया कि इखलास से ऊंचा भी एक मकाम है और उसका नाम रजा बिलखजा है यह मकाम बहुत अखीर में आता होता है जी जिस तरह सबसे अखीर से अख़ीर में बहुत से दर्जात आदमी को कल्ब में मिल जाते हैं और अमराध और बीमारियाँ निकल जाती हैं लेकिन सबसे अखीर में बुजुर्गों ने लिखा आखिर मा युजु मिन रासि सद्दीकी अब्बुल जा यानि सबसे अख़ीर में जो अल्लाह वालों के दिल से निकलती है वो जाह की मोहब्बत है जाह का माना ये नहीं है सिर्फ कि मुझे सदर बना दो मोहतम बना दो और वजीर आजम बना दो और आई जी और डी आई जी बना दो और फला नहीं नहीं जा मेरा नाम मेरा मकाम मेरा चर्चा जी लोगों में मेरी चारों तरफ आओ भगत हो रही हो और बुलाया जा रहा हूँ और जिधर चलू लोग पीछे चल रहे हो और घर में हूँ तो लोग आ आके मेरे मुझे सलाम कर रहे हो और मजमा लगा हो वला हुबला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला मेरे अजीज़ वारीशान अल्लाह अज से वजल किए हम तो भाई मिटने वाले हैं मिटने अरे पहले कुछ थे नहीं गंदा पानी बदबूदार सड़ा हुआ पानी कपड़े में लगे तो धुला जाए हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी मेरे प्यारो भूल जाते हैं और फिर वो दिन है सामने फिर वो दिन है सामने फिर वो दिन है के रख के अजी चारपाई पर और कंधा दे के लोग लेके चलेंगे और कब्र में उतारेंगे और लगाने के बाद वहां तख्ते लगा दिए जाएंगे ये रहा इंसान गया हुआ मिट्टी खाजा साहब ने इसी को फरमाया था ख्वाजा साहब ने इसी को फरमाया था ये आलम नए शो इशरत का ये आलम इशरत का ये दुनिया कैफो मस्ती की और बुलंद अपना तखयल कर ये सब बातें पस्ती की जहाँ दर असल वीराना है गोसूरत है बस्ती की जहा दर असल वीराना है गोसूरत है बस्ती की बताओ क्या हकीकत है फरे बे बेखवाब हस्ती की के आंखें बंद हो और आदमी अफसाना बन जाए अरे जो अगर बार बार भी अशार सुने हैं तो जरा थोड़ा सा सुनने के बाद थोड़ा सा गौर करो थोड़ा सा गौर करो कि मैं जिस जहाँ बैठा हुआ बयान दे रहा हूँ मेरी स्ट्रीट में कितने लोग थे चले गए और जिनको पाँच सात साल हुए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे थे ही नहीं मैं बहुत गौर करते रहता हूँ तोफ़ी इलाहील्लाफ़ी देते हैं रिश्तेदारों में उसमें उसमें उस गौर करने के बाद यही सोचता हूँ कहाँ हैं आज जमीन में उनका को कोई नाम नहीं है इसलिए इसको ना भूलना चाहिए जी हमारे हज़रत वाला रमत फ़रमाते थे बहरहाल अभी जो मजमून है इन ये मजमून तो बयान होता रहता है लेकिन अभी जो मजमून है वो अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह वालों पर अगर ये हालात आते हैं मेरे प्यारो अगर तुम्हारे किसी के जहन में ये इश्काल आए कि भाई हम तो नमाज रोज़े में भी हैं हम तो पूरे तकबे पर भी चल रहे हैं और माल भी बहुत हलाल खाने पीने की कोशिश में है यारो लेकिन फिर भी पता नहीं ये औलाद कहना क्यों नहीं मान रही फिर भी पता नहीं ये सब हादसा क्यों हो रहे ये हो रहा है वो हो रहा है तो अव्वल तो आदमी गौर करे गौर करे डॉक्टर को दिखाए अपनी नब्ज़ जाके चेक कराए डॉक्टर को इस इस लाइन के डॉक्टर अल्लाह वाले और मशाइख हैं उनका चौबीस घंटे की जिंदगी के अपने मामूलात बताएं और हालात बताएं और कारोबार बताएं वो बताएंगे कि आप जो समझ रहे हो सही है गलत कि हम तो तकवे पर भी चल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं भी कर रहे हैं वो बताएंगे कहाँ तकवा छूट रहा है और टूट रहा है जी कहीं उसका अजाब तो नहीं वो बताएंगे। घरों में पर्दा नहीं है ननंद और, और और क्या बोलते हैं उसे मतलब देवर से पर्दा होना चाहिए फ़ला वो बुरी तफसील है उसकी यानी घरों में आजकल तौर से चचा साथ, खाला जदाद मामोजाद ताया आज ये सब अला हाल वो पर्दे पे भी तकरीर नहीं करनी जो मज़मून अभी समझा रहा हूँ उसे समझ लो मेरे भाई उसे समझ लो क्योंकि बहुत सो के दहन में इश्काल आ सकता है और हम सब हैं बहुत से हैं ऐसे के जिनको सब हालात पेश आ जाते हैं लेकिन दिल मुतमिन रहता है और ये दिल का इतमान निशानी है कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के लिए है। जो हदीस मैंने पढ़ी थी पता नहीं तर्जमा किया कि नहीं के बाद बंदों के लिए अल्लाह ताला ऐसा बुलंद मर्तबा रखते हैं वहाँ अमल से वो वहाँ नहीं पहुँच पाते तो अल्लाह ताला उनको कुछ हालात डाल देते हैं बच्चा बीमार हो गया खुद बीमार हो गए माली कुछ नुकसान हो गया या ऐसे किसी की वफ़ाद इंतकाल हो गया अम्मा का इंतकाल अब्बा का फला का हाथ साथ पे हाथ साथ कुछ आ जाते हैं और क्यों हदीस शरीफ कह रही है मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए ताकि अल्लाह उस बंदे को उसके उस दर्जे पर ताकि अल्लाह उस बंदे को उस दर्जे पर पहुंचा सके जो अल्लाह ते वहां तय हो चुका है सवाल अल्लाह तैसे तो भी कादिर है बगैर आजमाइश डाले हुए जवाब एक कादिर होना एक कुदरत एक सुनतुल्ला अल्लाह ताला तो कादर बगैर माँ बाप के हमको पैदा कर दे हजरत आदम को पैदा किया जी कादिर हैं के बगैर बाप के बग़ैर माँ के पैदा कर दे हजरत अल्वा को कर दिया कादिर हैं के बग़ैर बाप के कर दे हजरत ईसा को कर दिया और कादिर हैं के दोनों से कर दे जैसे हम सब को कर दिया ये है कुदरतल्ला लेकिन सुनत अल्लाह अल्ला की सुन्नत अल्लाह का निज़ाम इस तरह से जारी है जी कई अंदाज से हालात में मुबतला करके और फिर क्यामत में बचाया जाएगा वो जब मैंने तुम्हारा जवान बेटा उठा लिया था वो जो मैंने तुम्हें चार साल बीमारी में रखा था इसलिए रखा था कि तुम्हारे गुनाहों को झाड़ के साफ करना था और उन बीमारी के जमाने में जो तुम मुझसे रातों को तन्हाइयों में दुआएं करते थे लोग सोते थे घर वाले मजे के साथ सो रहे हैं और तुम बेकरारी में मुझे पुकारते थे अरे मेरे बंदे तू मेरे फैसले पर राजी था कभी शिकवा गिला नहीं किया लेकिन मेरी तरफ रुझू होता रहा और मुझे पुकारता रहा और मुझसे बीमारी के सवाल की दुआ इजाले की दुआ करता रहा और कहता रहा अः अल्लाह आप जिस हाल में रखे मैं खुश आज देख ले ये रहे तेरे दर्जात ये रहे तेरे दर्जात मैं तो एक किताब पढ़ रहा था तो ऐसा अच्छा लगा पढ़ने के बाद और दिल मचल गया यानी उसमें मैंने छोटा सा एक इर्शाद पढ़ा जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जो कब्रें हैं ना नबरें हमारी ये अंधेरों से भरी हुई है लेकिन दुनिया में जो शख्स मसाइब व हवादिस का शिकार रहा हो और उसने उन पर सबर किया हो ये मसायब व हबादिस उसके लिए कब्र में उसकी खबर को मुनवर और रोशन कर देते हैं इनकी वजह से ऐसा ऐसा शख्स जो दुनिया में मुसाबिल हबादिस रहा हो उनकी खबरें नूर से अनवारात से चमकी रहती है रोशन रहती है हाय हाय, इसलिए रे समझे आप हाँ। हाए हाए ये शाह अहमद प्रताप गढ़ी रहमत आलिब का ये शहर है कि बेकैफी में भी हमने तो इक्कीफ मुसलसल देखा है बेकैफी में भी हमने तो इक्कीफ मुसलसल देखा है और जिस हाल में भी वो रखते हैं उस हाल को अकमल देखा है और जिस को जिस राह को वो जिस राह को हम तजवीज करें उस राह को अशकल देखा है असकल के मना भारी अरे जिस राह को हम तजवीज करें उस राह को असकल देखा है और जिस राह से वो ले चलते हैं उस राह को असहल देखा है आसान हम समझ रहे थे खूब ताजु पढ़ेंगे और पूरे रमज़ान की इबादत करेंगे और इतने कुरान ख़त्म करेंगे तीन चार रोजों के बाद बुखार आ गया अब पांच सात दिन तक बुखार में रहे खूब मजे के साथ सोए अज़रो सवाब इखलास के साथ जिन लोगों ने वो सारे अमाल किए जो आपकी नीयतें थी उन सारे अमाल का अज़रो सवाब आपके इनाम अमाल में लिखा हुआ है जी हाँ। ये अल्लाह का निज़ाम है बहरहाल मेरे प्यारो तजवीज़ की जिंदगी को हमें छोड़ देना चाहिए और तफवीज़ हमने अपने को अल्लाह के हवाले कर दिया अरे मेरे मौला जिस हाल में आप रखे हम राजी हैं बस ये सवाल का जवाब था और बहुत अहम था बहुत अहम था ज़रूरी था देना बताना ज़रूरी था वरना बहुत से हमारे भाई बहक सकते हैं वो कहेंगे यार मौलाना ने तो इन्होंने तो बयान किया है कि भाई इस तरह का मामला होता है कि जो अल्लाह वाले हों नेक हों लेकिन हमने तो कितनी ही मरतबा ऐसा देखा जी कितनी मरतबा ऐसा देखा कि जैसे बुरो फासिको फाजनों के साथ वो मसाइब हबादिस आ रहे हैं अल्लाह वालों के साथ भी ऐसे मसाइब व हबादिस आ रहे हैं बस मेरे अजीज खुलासा समझ गए आप अल्लाह वालों पर जो मसाइब और हवादिस आएंगे जो हालात आएंगे जो रंजम आएगा जी जो नुकसान आएंगे उसकी वजह से उनका कल्ब तबी तौर पर तो कुछ ना कुछ मुतासर होता है तबई तौर पर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहिम की जुदाई पर गमज़दा थे, थे। इन नब फ्राक़ी का या इब्राहिम आँखें आंसू बहा रही थी और दिल गमज़ुदा था फरमायादमाकलब आँख से आंसू बहते हैं दिल गमजदा होता है लेकिन कोई जजाफदा कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं जी हाँ अल्लाह के नेक बंदे इसी तरह होते हैं जब ये सब होता है तो आए मेरे अजीजों और बयान सुनने वालों जहन में रखो इस बात को अगर नेक कामों के बावजूद दीन पर चलने के बावजूद ये सब हालात आ रहे हैं तो पहले नंबर पर, पर तो मैंने क्या कहा अपने डॉक्टर को बताओ रूहानी डॉक्टर ये है मेरा निज़ाम जिंदगी यह है मेरा तरीक़ ज़िंदगी आपको कभी पता नहीं चलेगा लेकिन कोई चीजें हो रही है ऐसी कहीं से कोई माल ऐसा खाया जा रहा है कहीं से कोई गलती हो अल्लाह की बंदी तुम्हारे निकाह में उसको सता रहे हो मसलन हालात आ रहे हैं तो वो बताएंगे तुमको वो बताएंगे और पूछेंगे ये बताओ ये बताओ ये बताओ फिर कहेंगे देखो इसको दुरुस्त करो इसको दुरुस्त करो इसको दुरुस्त करो तब शायद तुम्हारे हालात छटे और फिर भी ना छठे जी तो समझ लो आजमाइश है और पहचान और निशानी मैंने आपको बताई कि अल्लाह वालों पर जब हालात आते हैं वो मुतमिन रहते हैं बेफिक्र रहते हैं और ज़हनी तौर पर टेंशन डिप्रेशन के शिकार नहीं होते बल्कि उनका यकीन होता है ये मेरे अल्लाह की तरफ से आया है और जो कुछ अल्लाह की तरफ से आए जी उसमें बोमिन की खैर होती है चाहे बाहिर दुनिया में नज़र ना आए मेरे प्यार व आखरत में तो यहाँ तक हाल होगा कि जो दुनिया में आफ़ियत तो व मज़ों में रह के गए वो भी नए लोग हैं लेकिन आफ़ियत तो व मज़ों में रह के गए हैं उनके मुकाबले में जो मसाई वह में कभी ये हादसा हुआ कभी बीमारी हुई कभी जवान बेटा इंतकाल कर गया कभी जी और कोई माली नुकसान हो गया वगैरह और वो सब्र करते रहे हदीस शरीफ में आया है जब वो कयामत के दिन उनको अदर सवाब दिया जाएगा ना कयामत के दिन जब अदर सवाब उनको दिया जाएगा तो ये आफियत वाले आफिया ये तमन्ना करेंगे काश इनके बदनों को कैंकियों से काटा जाता क्योंकि इतना अजरमिल्ला है यहां समझ लो मेरे भाई इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बस समझ लो कल का जो गणवान था कि जिंदगी में बरकत अल्लाह वालों की हाँ ये भी बरकत है इस बरकत का हासिल और निचोड़ ये है कि उनके दिल में अल्लाह ने पूरा इतमान डाला तो पुरसकून जिंदगी में है वो दिल के इतमान ही का नाम सुकून है अगर एक आदमी को फांसी पर लटकाया जाने वाला हो और शानदार एयर कंडीशन कमरे में हो और कल को फांसी पर लटकाया जाएगा और सारी गजाएं हो खालो जो खाना है पूछो उससे वो सुकून में है नहीं दिल बेचैन है इसलिए हाँ तो जब ये बात हुई तो समझो बाबर का जिंदगी फिर भी अल्लाह वालों की है अल्लाह हमें अपनी रहमत से फजलोक्रम का मामला फरमा कर दुनिया व आखरत की आफियत नसीब फरमाएँ और बाबरकत बालतफ ज़िंदगी हयात तयबा तो जिसका कुरान पाक वज़िक्र हम सब को अदा फ़रमा दे व् नबील करीमलाइन वब्लमिन